ए विध को व्यवहार बनो है जासो नेव लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। बिना नाम के अंत समय में तेरे कोई काम नहीं आएगा। कई लोग ऐसे देखे हैं सात संगत जी, कई लोग जो कहते हैं मेरे मरने के बाद यहाँ पे दान कर देना, मेरे मरने के बाद यहाँ पाठ रखवा देना। महापुरुषों के वचन मरने के बाद रिश्तेदार नहीं करने वाले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी अभी एक क्लिप वायरल हुई थी, मैं बड़ा खुश हुआ, पहले क्लिप देखी मैंने, बड़ा खुश हुआ कि चार लड़के जिनके सर मुंडे हुए हैं, पिता की मृत्यु हुई है, आपस में शमशान घाट में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी अभी की क्लिप है, तीन चार दिन पहले की, मेरे पास है, मैं भेज दूंगा, वायरल हो जाए और देख ले लोग। चार लड़के शमशान घाट में लड़ रहे हैं कि आग मैं दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कि आग मैं दूंगा मेरे पिता को। मैं बोला आज के ज़माने में भी ऐसे पुत्र हैं कि लड़ रहे हैं आग देने के लिए। बाद में नीचे पड़ा कि वो विल करके गया है, पिता जो आग देगा सारी जायदाद उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो शमशान घाट में एक दूसरे को मार रहे हैं, लकड़ियों से मार रहे हैं जो जलाने के लिए रखे हैं पिता की, कि मैं जलाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता भी जाते जाते मजे ले गए, विल करके चला गया जो मेरे जो मुझे आग देगा मेरी अर्थी को, सारी जायदाद उसकी। चारों लड़ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ही चीज काम आएगी, एक ही। महापुरुषों के वचन, बीच में बात रह गई, अपना पाठ करके जाओ, करा के भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो आप उम्मीद रखते हो ना, मेरे घर वाले मेरे लिए पाठ रखाएंगे, नाम जपेंगे, दान पुण्य करेंगे, अपने हाथों से करके जाओ, अपने हाथों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मेरे एकदम खास किसी की एक घटना है जो दास बताने जा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी एकदम खास हम खास। वो अपना दसवंध नहीं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, कमाल की जीवन, दसवंध नहीं, 50-60% अपना अच्छे काम के लिए निकालते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 10% हम तो 10% भी नहीं निकालते, हिसाब ही नहीं रखते, कहीं ज़्यादा ना निकालना पड़ जाए, थोड़ा थोड़ा निकाल के सोचते निकाल रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है, दसवंध तुम्हारा है ही नहीं, उसके बाद जो तुम देते हो वो है दान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर दसवंध नहीं निकालेंगे 90% भी जहर हो जाएगा। दसवंध निकालने से 90% अमृत हो जाता है, नहीं तो फिर कोर्ट कचहरी डॉक्टर ये सब तो है ही लेने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 50-60% वो अपना दान करके, वो भी मेरे नॉन एजेंट को देते थे कि रख लो और नेक काम में लगा देना। वो जमा करते गए, काफ़ी बड़ी अमाउंट हो गई, 30-35 लाख रुपए हो गए साथ संगत जमा करते करते, और वो उनकी डेथ हो गई, चढ़ाई कर गए। और उसने क्या किया, जिसके पास दिए थे पैसे उसने लाके सारे घर वालों को दे दिए, भाई उनकी अमानत मेरे पास पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखो कितनी कीमती बात गुरु साहब जी कहते हैं, अपने हाथ से कर्जा जो करना है उन्होंने निकाले कि मेरे नेक काम में कहीं लग जाए, किसी गुरुद्वारे के लंगर में लग जाए, किसी गरीब की मदद में लग जाए, और वो पैसे पहुंच गए घर वालों के पास ही, क्योंकि अपने हाथ से नहीं दान किए, किसी को दे गए तू कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने हाथ से अपना पाठ खुद कर लो, अंतिम पाठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने भोग की अरदास खुद कर जाओ। क्या है अपने भोग की अरदास, रोज अमृत वेला संभालो, रोज अरदास होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।